कितनी निर्भया, और कितनी निर्भया हमारी सरकार को चाहिए। क्या जिनकी माँ बहन बेटियां नहीं है वो हमारे देश प्रदेश को इस तरह चलाएंगे? आज हमारे यहाँ लखनऊ में पॉलिटेक्निक छात्रा के साथ जो रेप कांड हुआ, उसकी हत्या हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज पूरा देश प्रदेश सवाल उठा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हो सकता है आप पल्ला झाड़ ले कि मैं नहीं हूं या उनकी सरकार थी, तो क्या ऐसा नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं। अखिलेश यादव के सरकारी संपत्ति पर राज्य विभाग को बहुत चिंता हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। उनको टाइल्स उखड़ने की चिंता थी, उनको बंगले की बिगड़ने की चिंता थी। क्या किसी के बहन बेटी की आबरू से बढ़कर हो गया है? आखिर हमारी बहन बेटी आबरू कब तक लूटती रहेगी इस तरह से, और सरकार इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी? क्या कभी कोई एक्शन नहीं लेना है? आपने इतने जुमले किए, हमने नहीं कहा, हमने आपसे रोजगार नहीं मांगा, क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ जुमला है और आप वो कभी पूरा नहीं कर सकते। पर यहां आपने, यहां बहन बेटियों का सवाल है, आखिर आप उसे क्यों नहीं बचा रहे हैं? हमारी कुछ महिला मंत्री, उनको महिलाएं तब तक याद रहती हैं जब तक उन्हें वोट लेना होता है। हमें शर्म आती है, हम धिक्कारते हैं ऐसी महिलाओं को कि जिनकी खुद कर बेटी पर पड़े तो उन्हें राजनीति समझ में उस समय नहीं आती है। उन्हें अपनी बेटी में बेटी नजर आती है, पर दूसरे की बेटी राजनीति करने के लिए समझ में आती है। इतनी गंदी राजनीति, आपने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी जिस दिन बहन बेटियां अगर समाज में नहीं रह जाएंगी, उस दिन आपका वंश कैसे बढ़ेगा, आप खुद कहां रहेंगे? बहुत शर्म आती है और क्रोध भी आता है ये कहते हुए। जब लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम मोदी भक्त हैं, हमें गर्व होता है। तुम्हें हिंदुस्तान की चिंता है, तुम्हें अपने भारत की चिंता है, पर भारत में बहन बेटियों की इज्जत आए दिन लूट रही है, और तुम खुद खड़े होकर तमाशा देखने वालों, तुम्हारे ऊपर एक दिन अगर तुम्हारे जब घर पर पड़ेगा, शायद उस दिन तुम्हारी आंख खुल जाए। आज तुम्हें किसी की बहन बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम इतने अंधे हो चुके हो, तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तुम सरकारें हमें गिनाते हो कि तुम्हारे इस प्रदेश में ऐसा हुआ, तुम्हारे इस देश में ऐसा हुआ, तुम्हारी इस सरकार में ऐसा हुआ। काश इसकी बजाय कहने की तुम ये कहे होते कि अब ये खत्म होगा। तुम कहते हो कि तुम भक्त हो, मैं मानती हूं तुम भक्त हो, लेकिन भक्त होने से पहले अगर तुम ये दावा करते कि मुझे गर्व है कि मैं एक रक्षक हूं, अगर तुम मेरे रक्षक बनते तो आज हमारे समाज में इतने गंदे गंदे भेड़िए भक्षक के रूप में नहीं घूम रहे होते। पर अफसोस, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार से हम कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, अब अगर कुछ कर सकते हो तो मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, इस तरह की घटनाएं बंद कर दीजिए। हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटते हुए अभी भी रोक लगा दीजिए। आपने एनकाउंटर करवाया? जो क्राइम करते हैं आपकी नजर में वो अभी भी जेल में है? बंद कर दीजिए, बहन बेटियों के साथ इतनी गंदी, इतनी घिनौनी राजनीति करना बंद कर दीजिए। आपने आज तक ईश्वर को नहीं छोड़ा, उसमें भी राजनीति की। आपने किसी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा क्योंकि उसमें भी आपको राजनीति समझ में आया। आपने गाय माता को नहीं छोड़ा, उसमें भी आपको राजनीति समझ में आ रही है। लेकिन याद रखना, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। मुझे समझ में आता है कि मेरे बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, पर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे इतनी चिंता है मैं क्यों नहीं उतरती। पर याद रखना, अगर जिस दिन मैं शिखा सिंह अगर सड़क पे उतरूंगी तो शायद तुम उतरने लायक समाज में नहीं रह जाओगे।